स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे कार में। और इस कार में मैं ये यानी कि मारुति एस्प्रेसो VXI प्लस के बारे में आज मैं एक अपग्रेड करने जा रहा हूँ इस गाड़ी में। आज मैं ये जो लाइट है इस लाइट को मैं बदल दूंगा और इसे मैं LED से बदलने वाला हूँ। ये बल्ब है 10 वाट का, आप अपना मैनुअल में पढ़ सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। तो इसे बदलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ हूहा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई वारंटी वारंटी वाइड नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल चीज़ करते हैं, पहले आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू चाहिए होगा, मतलब स्क्रू ड्राइवर टाइप, और उसे आप आराम से जेंटली जाके एक जगह पे पुश करेंगे, फिर दूसरी जगह करेंगे, वो आराम से खुल जाएगा। इसे गिरने ना दे, स्क्रैच स्क्रैच ना पड़े तो अच्छा रहेगा। और चाहें अगर आपको मान लीजिए चाहते हैं कि लुक थोड़ा सा क्लासी रहे, तो आप उसके लिए एक पेपर कटिंग कर सकते हैं जो इसके अंदर फिट हो जाए और आपको एकदम मतलब फ्लैट फीलिंग दे। ये आप पे है, आप मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों को होता है कि यार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जगह मैं लगाने वाला हूँ ये LED। अब ये LED आपको अमेजोन पे करीब 170 में मिलेगा, मुझे दुकान में सिर्फ LED तो 30 रुपये में मिल गया, लेकिन ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये कनेक्टर के चक्कर में मुझे ये 70 रुपये देने पड़ गए। तो ये कॉमन चीज़ है, मतलब आपको थोड़ा सा खोजने में मिल जाएगा। ये 12 वोल्ट का सिस्टम है और आपको यहाँ से नॉर्मल बल्ब निकालना है। ये है 10 वाट का जो बल्ब आपके साथ इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी ऊर्जा खाता है मतलब, लेकिन लाइट तो ज़्यादा देता नहीं है। अब मैं इसको लगाऊंगा। अब मेन बात यह होती है कि ये LED है, LED में पोलारिटी होते हैं। जब तक आप फिलिप्स विलिप्स का LED नहीं खरीदते, फिलिप्स के LED में ये खासियत रहता है कि वो उसमें एक ब्रिज डायोड दिया रहता है, तो वो पोलारिटी से सफर है। आप ऐसे भी डालिए चलेगा, ऐसे भी डालेंगे चलेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। मैंने इस गाड़ी में पहले से कर लिया है और 99% श्योर हूँ कि एस्प्रेसो में हर जगह इस साइड में पॉजिटिव आएगा, इस साइड में नहीं इस साइड में आएगा, यानी कि स्टीयरिंग व्हील के साइड में पॉजिटिव आएगा। तो आप इस तरह का ये लेंगे और इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, अभी तो मेरे चेहरे पे फोकस कर रहा है, खैर इसमें एक तार में ये लाल सा लाइन बनाया, वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वो उस साइड आप लगाएंगे। और उम्मीद करता हूँ बिना धमाका के मैं यहाँ पे काम कर पाऊँ। और ये लग गया, अब मैं चालू करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं ये चालू हो गया है, काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब मेन होता है कि इसका वायरिंग काफ़ी उलझा हुआ है, मैं ग्लू से चिपकाना कुछ नहीं चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे एस्प्रेसो अगर आपने लिया है तो आपको एक छोटा सा क्लिप दिखेगा, उस क्लिप में तार फंसा है और फिर ये LED को आप यहाँ लॉक कर रहे हैं। अगर ये लॉक नहीं रहा तो आपको दोबारा ग्लास लगाने में बहुत दिक्कत होने वाली है और मैं चिपकाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आपको कुछ ऐसा करके अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले, उसके बाद आप ये आराम से लगा सकते हैं। और ठड़ा काम हो गया, अब आप चालू करके देख सकते हैं, ये बहुत काम करता है। मैंने नीचे एक फोटो दे दिया है इसके लिए और उस फोटो को आप आराम से एमोलेड डिस्प्ले में देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कितना अंतर होता है। ये 2.5 वाट का है, जो मैं बल्ब हटाया वो 10 वाट का था, तो यानी समझ लीजिए इससे एनर्जी काफी बचती है। और खास करके आप लोग अगर नाइट टाइम ड्राइविंग खूब करते हैं तो ये 70 रुपया का इन्वेस्टमेंट काफी है, और आपको पता है कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी। हाँ, बहुत सारे और भी बल्ब आते हैं, खास करके कुछ कुछ ऐसे बल्ब आते हैं जिसमें हीट सिंक ऊपर लगा रहता है, उससे मैं कहूंगा दूर रहें, क्योंकि काफी लोगों का शिकायत आता है कि हीट सिंक मेटल का है और मेटल कोटेड नहीं रहता, तो वो सीधे छूता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस तरह का प्रेफर करता हूँ। प्लस इसकी LED फैलाई हुई है तो थोड़ा सा लाइट जो है काफी स्मूथ आता है, बहुत सारी होती है जो एकदम पॉइंट रहेगी, एक खूब सारी LED एक छोटी जगह तो चुभने वाला लाइट आता है, तो ये अच्छा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2.5 वाट का, तो क्या मैं एक दो ठो और लगा लूँ, मैं मना करूंगा उसको करने से, क्योंकि ये लाइट एक्सेसरीज लाइट के तौर पे बनाई जाती है, तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि इस कुछ ज़्यादा भावना में ना भेजा जाए। मैं पीछे यहाँ पे जो लाइट लगाया हूँ LED मतलब बल्ब लगा के रखा हूँ गाड़ी के अंदर ताकि यहाँ थोड़ी रोशनी रहे, वो है 8-10 वाट का। 10 वाट की LED लगा दिया वो बहुत चौंधियाने लगेगा रात में, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा भावना में ना बहें, कोशिश करें एक से ऊपर और दो तीन से नीचे ही रहें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने ये LED अपग्रेड किया और इससे आपकी कोई वारंटी वारंटी वाइड नहीं होगी, ज़्यादा फजीहत वाला काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छा रहा हो, कुछ मतलब समझ में आया, कुछ मदद मिला हो और आप अपने मारुति में एस्प्रेसो में ये अपग्रेड कर सके अगर आपको ज़रूरत है तो। खास करके अगर आप रात को गाड़ी चलाते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद होगा, आपका बैटरी भी बचेगा क्योंकि ये 10 की जगह पे सिर्फ 2.5 खाता है और लाइट भी ज़्यादा मिलेगा, तो हर मामले से अच्छा है, प्लस गर्मी भी कम करता है, तो ये काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इसी के साथ ये मैं ये वीडियो बंद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया हो ये देख के, एक छोटा सा सिंपल सा अपग्रेड है। मैं ऐसे ही धीरे धीरे अपने एस्प्रेसो में अपग्रेड करता चला जाऊँगा, देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ। तो आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।